हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड करना सीखेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू से मतलब हो गया रेंज ऑफ दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन हम दो पार्ट्स में करेंगे, एक जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा हमें और एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, और दूसरा केस क्या होगा, रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन ए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन से हमारा क्या मतलब है, जब x की वैल्यू पूरी r ना देकर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में देगी, भाई 2 से 3 या 3 से 4 में x बिलोंग करता है, तब उसकी रेंज क्या होगी। तो आइए समझते हैं इसको हम एक एग्जांपल के साथ में। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, हमें इसकी रेंज बतानी है और यहां पर x के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब आपको यहां पर x belongs to R ट्रीट करना है, x belongs to R, ओके? अब देखो, इसका पहला तरीका क्या हो सकता है, फर्स्ट मेथड आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो आप लोगों ने 10th क्लास में समझा था। क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 जो है, इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो आपने माइनस कॉमन लिया और इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, पहला स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बता रहे हैं। अब जो x का कोफिशिएंट है माइनस 4, उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसका हाफ माइनस 2 हुआ, स्क्वायर 4 हुआ, तो हमने 4 जो है वो ऐड कर दिया और 4 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे इस एक्सप्रेशन का बैलेंस बना रहा और ये माइनस 7 एज इट इज। ऐसा करने से हमें क्या मिला, माइनस ये यहां से लेके और यहां तक आप देख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया है और माइनस 4 माइनस 7 इज माइनस 11, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 11 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये वाई आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को देखकर आप इजीली समझ सकते हो कि वाई मैक्सिमम कब होगा और वाई मिनिमम कब होगा। देखो y को मैक्सिमम अगर हमें फाइंड करना है, ये 11 तो कांस्टेंट है, तो सेम रहेगा, तो अगर y को मैक्सिमाइज करना है तो ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये मिनिमम होना चाहिए, और चूंकि ये होल स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, y मैक्सिमम इज 11 और ये 11 हमें कब मिलेगा, व्हेन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज मिनिमम, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 0, इट मींस x इक्वल टू 2। एक बात, ये तो y मैक्सिमम हुआ, अब बात करते हैं कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y की मिनिमम वैल्यू, तो y मिनिमम कब होगा, y मिनिमम देखो 11 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दें, क्योंकि 11 तो कॉन्स्टेंट है, तो अगर ये हो रहा है माइनस में, तो अगर x माइनस 2 को होल स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दें तो y जो है वो मिनिमम हो जाएगा, और x माइनस 2 के होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिटी तक जा सकती है जब x इनफिनिटी होगा, तो y मिनिमम विल बी इक्वल टू माइनस इनफिनिटी व्हेन x माइनस 2, और सिंपली आप x भी लिख सकते हैं, x टेंड्स टू इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी से ले लेगा क्योंकि एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ये इनफिनिटी बनेगा, ये नेगेटिव लगा हुआ है सामने तो माइनस इनफिनिटी रहेगा, और 11 में से माइनस इनफिनिटी सब्ट्रैक्ट कर लो तो भी माइनस इनफिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो वाई का जो मिनिमम वैल्यू है माइनस इनफिनिटी है और वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 11 है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है, रेंज हो गई माइनस इनफिनिटी से 11, या तो आप इसको ऐसे समझ लो, या इसी मेथड में हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं। देखो आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हो,
क्योंकि x माइनस टू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा समझ में आ गया होगा भाई। x माइनस टू का होल स्क्वायर जो है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये बनाना है मुझे। तो मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में। जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस x माइनस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब 11 ऐड कर दो इसमें दोनों साइड में, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो 11 माइनस x माइनस टू का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 11 मतलब 11। अब ये जो 11 माइनस x माइनस टू का होल स्क्वायर बना यही एक्चुअली y है, सॉरी ये y है। तो y इज लेस देन और इक्वल टू 11, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 11 और इधर क्या है माइनस इंफिनिटी। तो कुल मिला के आप यहां से भी बोल सकते हो कि y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 11। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका इसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, आप y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 का ग्राफ बना लो। इसका जो ग्राफ होगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा भाई, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला इस प्रकार से बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसका जो मिनिमम होगा वो तो माइनस इंफिनिटी होगा, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा आपको पता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो आपको y की वैल्यू चाहिए यानी कि माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये है। तो आप ग्राफ से भी कर सकते हो और बिना ग्राफ के भी इसको कर सकते हो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसका तरीका हो सकता है, तीसरा तरीका, कि जैसे यहाँ पर x belongs to r लिखा हुआ है, चलो इसको मैं इसको रब करके आपको तीसरा तरीका समझा देता हूँ, है ना। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो y equal to minus x square plus 4x plus 7 है, x belongs to r, तो आप इसको क्या करो, y को इधर ले जाके पूरा x में quadratic equation बना लो। तो मैंने x में quadratic बना ली, ये बन गई x square minus 4x plus y minus 7 equal to 0। चूंकि x belongs to r है, इसका मतलब हुआ कि इस quadratic equation के roots real है, और quadratic equation के root real है, coefficient भी real है, तो इसका मतलब क्या हुआ, d इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक का वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब हम इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको हमने सिंपलीफाई किया, 4 से डिवाइड कर लिया पहले, तो 4 माइनस y प्लस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से भी मेरे पास क्या आ गया, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, इट मींस उल्टा लिख दिया, y इधर चले जाएगा, y less than equal to 11, तो y belongs to minus infinity से 11। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि restricted domain जब रहेगी तब आप इसमें ये x belongs to r वाला तरीका सब जगह पे नहीं लगा पाओगे। अब restricted domain में रेंज कैसे फाइंड करते हैं किसी quadratic expression की, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना। उस एग्जाम्पल में हम x belongs to r के लिए भी रेंज निकालेंगे और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में भी रेंज निकालेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ y equal to x square minus 2x minus 3 then find range of y if। अब इसमें मैंने तीन क्वेश्चन लिए, पहला है x belongs to r, ये पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है। सेकेंड है x belongs to क्लोज इंटरवल 0 टू 3 और थर्ड है x belongs to क्लोज इंटरवल माइनस 2 टू 0। तो जब ऐसे इंटरवल में x दे दिया जाता है कि भाई जब x की वैल्यू 0 से 3 में है तब रेंज बताओ, तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन ए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, क्योंकि अब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। यहां पर डोमेन अनरेस्ट्रिक्टेड थी, पूरी R थी, लेकिन अभी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन फिक्स कर दिया कि भाई 0 से 3 में बताना है आपको, तो उसको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बोला जाता है। ओके, चलिए समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसको तो आप बिल्कुल अभी जो हमने मेथड डिस्कस किया उसमें से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम एक काम करते हैं कि इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं ताकि ये तीनों पार्ट्स एक साथ डिस्कस किए जा सके। तो देखो
ये जो पैराबोला है ये ओपनिंग अपवर्ड है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। जब हमने वाई को जीरो रखा, वाई को जीरो रखने के बाद जो एक्स की वैल्यू आ रही है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर हो गए एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स की दो वैल्यू आई, एक तो माइनस वन और एक थ्री, ये इसके रूट्स हो गए। जब हमने एक्स को जीरो रखा तो वाई की वैल्यू माइनस थ्री आ रही है, इसका मतलब ये जो पैराबोला बन रहा है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ये जीरो कॉमा माइनस थ्री पर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करके आएगा। और इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होगा इसका, वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए। तो माइनस बी बाई टू ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू माइनस टू है तो टू ए मतलब वन, तो ये वन आ गया, वन माइनस डी कितना आ रहा है इसका, डी देखो डी है इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो प्लस का ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व फोर सिक्सटीन और सिक्सटीन अपॉन फोर, सिक्सटीन अपॉन फोर मतलब माइनस फोर, सिक्सटीन अपॉन फोर तो फोर हो जाएगा, तो ये वन कोमा माइनस फोर, ये इसका वर्टेक्स हो गया। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, रूट्स आए थे माइनस वन एंड थ्री, तो ये यहां पर माइनस वन होगा, ये वन होगा, मान लो ये टू है, ये थ्री है, फोर, ये यहां पर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ऐसे पॉइंट्स मार्क कर ले इस पे, जीरो, ठीक है। अब सबसे पहले वर्टेक्स, वर्टेक्स है वन कोमा माइनस फोर, तो वन कोमा माइनस फोर, ये माइनस थ्री था, यहां पर माइनस फोर है, तो वन कोमा माइनस फोर यहां पर कहीं हुआ है, मतलब इसको यहां से टर्न करना है, वन कोमा माइनस फोर से इसको टर्न करना है, और ये जीरो कोमा माइनस थ्री से पास हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर तो आपका वर्टेक्स बनेगा पैराबोला का, और ये पैराबोला इस तरीके से जाएगा इधर की तरफ, इधर तो ये माइनस वन पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और दूसरी साइड में इसका एक रूट जो था थ्री था, तो ये दूसरी साइड में ऐसा चला गया, तो ये आपके सामने पैराबोला बन गया, मतलब हम ग्राफिकल तरीके से कर रहे हैं इसको सॉल्व। तो अब आप इजीली देख सकते हो पहले केस में जब x बिलोंग्स टू r है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी प्रकार का x बिलोंग्स टू r में, तो आप इसमें देखो इस ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वो कितनी है, माइनस फोर, और मैक्सिमम कितनी है, इंफिनिटी। तो पहले केस में आंसर क्या आया, इस केस में पहले केस का आंसर क्या हुआ, यहां पर लिख देते हैं, फर्स्ट केस का आंसर हो गया कि रेंज जो है फर्स्ट केस में, रेंज माइनस फोर से इंफिनिटी होगी, माइनस फोर से इंफिनिटी, ये पहले केस में होगी। अब दूसरे क्वेश्चन में, यानी कि दूसरे जो पार्ट है इसका, इसमें क्या बोला कि अगर एक्स को आप जीरो से थ्री में रेस्ट्रिक्ट कर दो, एक्स की वैल्यू जीरो से थ्री ले लो केवल, तो उस केस में इसकी रेंज क्या होगी, जीरो से थ्री में रेस्ट्रिक्ट कर देते भाई, तो देखो ये जीरो है यहां पर, ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। अब आपको एक्स की वैल्यू रखनी है जीरो से थ्री में, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग आपको वाई देखना है कि वाई कहां से कहां तक होगा। देखो जीरो के कोरोस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिली ये है यहां पर जीरो कॉमा माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू आपको जीरो से थ्री तक लेके चलनी है, उसी के साथ साथ पैरेलली आप वाई को लेके चलते रहो ग्राफ को, तो जो मैं कट कर रहा हूं ना ये एक्चुअली हमारा रिक्वायर्ड है, तो जो मैंने ब्लू कलर से कट किया है इसका मतलब है कि जब x 0 से 3 के बीच में होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा हमारा पैराबोला का। अब इस ग्राफ में आप ध्यान से देखो, अभी भी मिनिमम वैल्यू माइनस फोर है लेकिन मैक्सिमम 0 है, बस इसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि यहां आगे y जो है 3 पे 0 हो गया। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट में y बिलोंग्स टू माइनस फोर टू जीरो, माइनस फोर से जीरो तक गया, ठीक है, ये ग्राफ से पता लग गया हमें।
तीसरा देखो माइनस टू से जीरो, तो माइनस टू यहां पर कहीं होगा माइनस टू, माइनस टू के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू ये मिलेगी माइनस टू पे। अब इसमें x की जगह माइनस टू डाल के देख लेते हैं, तो 4 + 4 = 8, 8 - 3 = 5, तो ये वैल्यू जो मिलेगी यहां पर ये 5 मिलेगी, 0.5। तो माइनस 2.5 ये पॉइंट हो गया। तो माइनस 2 से 0 में अगर आप x की वैल्यू माइनस 2 से 0 के बीच में रखते हो, जब आप x की वैल्यू माइनस 2 से 0 के बीच में रखोगे तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ देखना। देखो माइनस 2 से 0 तक जाना है, तो मैं ये येलो कलर से यूज कर रहा हूं इसको, जो कटता रहेगा वो माइनस 2 से 0 के बीच में, जब तक x माइनस 2 से 0 के बीच में है तब तक y का ग्राफ कैसे बनेगा, इतना बनेगा, ये येलो में दिख रहा है, ये बनेगा पैराबोला। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस 3 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है। मिनिमम कितना है माइनस 3 और मैक्सिमम कितना है 5। तो इस थर्ड वाले पार्ट का जो आंसर आया, थर्ड पार्ट में y बिलोंग्स टू माइनस 3 to 5, ये इसका रेंज हो गया। ये क्वेश्चन हमने किया ग्राफ से, ठीक है, ग्राफ से क्या हुआ, एक ग्राफ बनाने से तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमें आसानी से दिख गया। लेकिन आप लोग जो है ये जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाले क्वेश्चन है इनको कैलकुलस की हेल्प से भी कर सकते हो। फिजिक्स में आप लोगों को बेसिक मैक्सिमम मिनिमम निकालना सिखाया जाता है मैथमेटिकल टूल्स में यूजिंग dy by dx, तो हम उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, है ना, तो इसका मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, यूजिंग कैलकुलस मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम कैलकुलस की हेल्प से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज फाइंड करेंगे इन ए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दिया गया है, हमने इसका dy by dx फाइंड किया, dy by dx आ गया 2x माइनस 2। जब हम dy by dx को 0 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, और ये x इक्वल टू 1 इस इंटरवल में बिलोंग करता है। तो मेरे पास कुल मिला के 3 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एक तो जो वैल्यू x की यहां से मिलती है, और एक जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो x की 3 वैल्यू है, एक 0 ये वाला एंड पॉइंट, एक जो आपने dy by dx को 0 रख के निकाला है यानी कि 1, और एक 3। अब इन तीनों पॉइंट्स पर आप y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू जो मिनिमम होगा वो मिनिमम, जो मैक्सिमम होगा सो मैक्सिमम, ठीक है, वही रेंज होगी। देखो y एट x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पे निकाली हमने तो कितना आया माइनस 3। y एट x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4। और y की वैल्यू जब हम x इक्वल टू 3 पर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 9 माइनस 6 माइनस 3 मतलब 0। इन तीनों वैल्यूज में आप देख सकते हो कि मिनिमम है माइनस 4 और मैक्सिमम है 0, तो रेंज क्या आ गई, रेंज होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, तो रेंज बिलोंग्स टू माइनस 4 से 0। तो आप कैलकुलस की हेल्प से भी देखो, आप माइनस 4 से 0 ही आ रहा था आंसर और अभी भी यही आया है, तो सेम इसी तरीके से। अब ये जो थर्ड पार्ट है इसको देखो, इसको भी हम कर सकते हैं यहीं पे। जब हमने dy by dx को 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आई, जब x इक्वल टू 1 आया तो ये x इक्वल टू 1 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, तो अब हम x इक्वल टू 1 नहीं लेंगे, अब हम केवल ये एंड पॉइंट ही लेंगे, क्योंकि हम x की केवल वही वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं जो उस दिए गए इंटरवल में बिलोंग करती हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसी इंटरवल में, जब x उस इंटरवल में बिलोंग करता है तब मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, ठीक है ना, जो x उस इंटरवल में बिलोंग ही नहीं करता उस पे मैक्सिमम मिनिमम की बात पूछी ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि जब x माइनस 2 से 0 में है तब आप इसका मैक्सिमम मिनिमम बताओ, तो चूंकि x इक्वल टू 1 थर्ड पार्ट के केस में x इक्वल टू 1 इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो आप इसको छोड़ देंगे और थर्ड पार्ट में केवल और केवल
आपको माइनस टू पे और जीरो पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस टू जब आप फाइंड करोगे तो आप देख लो क्या आ रही है माइनस टू पर, फोर प्लस फोर माइनस थ्री मतलब फाइव आ गया। और y की वैल्यू एट x इक्वल टू जीरो क्या आ रहा है, माइनस थ्री। तो माइनस थ्री मिनिमम है और फाइव मैक्सिमम है, तो रेंज क्या आ गई, रेंज रेंज होता है माइनस सॉरी नेगेटिव मिनिमम टू मैक्सिमम, तो माइनस थ्री से फाइव। तो ये अब आप लोगों की चॉइस है कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में जब आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया हो तो आप चाहो तो उसको कैलकुलस की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हो और आप चाहो तो उसको ग्राफ बना के भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी इसके पहले जस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो तीन प्रकार के रैशनल फंक्शंस की रेंज निकालना हम इस टॉपिक में सीखेंगे। ये है टाइप क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, इन तीनों प्रकार के एक्सप्रेशंस की रेंज निकालना हम सीखेंगे। इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं, If x belongs to R, find the range of, अब ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं सामने, इनकी रेंज हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, ऐसे मान लेंगे let y equal to x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो y x square plus एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वाई माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एक्स में क्वाड्रेटिक बना ली। अब चूंकि x belongs to R दिया गया है हमें, इसका मतलब ये जो x में क्वाड्रेटिक बनी है इसके रूट रियल होंगे, और अगर क्वाड्रेटिक के रूट रियल हैं तो इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो आपने d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख दिया। जब आप d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे तो देखो क्या आ रहा है, y प्लस वन का होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया माइनस फोर ए सी, तो फोर y माइनस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये क्या बन जाएगा y प्लस वन प्लस टू वाई माइनस वन। ठीक है, आप देख सकते हो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप लिखा हुआ है, तो इसको हम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, और दूसरा ब्रैकेट में y प्लस वन माइनस टू वाई माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। पहला ब्रैकेट बन गया y टू वाई थ्री वाई माइनस वन, और यहां पर आ जाएगा माइनस वाई प्लस थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये जो माइनस वाई प्लस थ्री है इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये y माइनस थ्री बन जाएगा, फिर वो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिला के ये बन जाएगा थ्री वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर दो, वन बाई थ्री एंड थ्री प्लस माइनस प्लस साइन स्कीम लगी, तो वाई बिलोंग्स टू वन बाई थ्री से थ्री। ठीक है, ये इसकी रेंज होगी। अब कई बार बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वन बाई थ्री से थ्री तक तो सर वाई की वैल्यू वन भी हो सकती है, y इक्वल टू वन भी तो इसमें आ रहा है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक बनी थी अगर इसमें हम y इक्वल टू वन ले लें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो जीरो हो जाएगा। तो क्या y इक्वल टू वन को रखना है या छोड़ना है, अब ये क्वेश्चन मन में आ गया होगा, तो देखते रख सकते हैं कि छोड़ना पड़ेगा भाई। देखो
ये है एक्चुअली आपका ओरिजिनल फंक्शन और इसकी डोमेन है R। इसका मतलब आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। देखो अगर मैं x इक्वल टू जीरो डाल दूं तो 1/1 यानी कि y की वैल्यू 1 हो सकती है। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पे चूंकि y 1 मिल रहा है तो हमें यहां पर 1 को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू 1/3 to 3 क्लोज इंटरवल, यही इसकी रेंज होगी। अब ये जो सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट आप लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इसको इक्वल टू y मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे। जब आप इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास y में ऐसे ही इंटरवल बनेगा और वो आंसर क्या आ रहा है वो आपको बताना है मुझे, ठीक है। आप अपना आंसर या सॉल्यूशन दोनों में से कोई भी शेयर कर सकते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक्चुअली दो तरीके के वेरिएबल दिए जाते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस a माइनस b इंटू x प्लस 1 माइनस a माइनस b इक्वल टू 0, ए बी बिलोंग्स टू आर। फाइंड द कंडीशन ऑन a फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल फॉर ऑल b बिलोंग्स टू आर। और दूसरा क्वेश्चन हमें करना है, रूट्स आर इमेजिनरी फॉर ऑल b बिलोंग्स टू आर। कंडीशन हमें a पे बतानी है और b बिलोंग्स टू r ट्रीट करना है, ठीक है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, इसका मतलब इसका d ग्रेटर देन 0 होगा। जब हम d ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो क्या आ गया, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4 a, और c की वैल्यू है 1 माइनस a माइनस b इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसे सिंपलीफाई किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4a माइनस 4b ग्रेटर देन 0। अब यहां से हमारे पास a में भी क्वाड्रेटिक बनता है और b में भी बनता है। कंडीशन लेकिन हमें a के ऊपर बतानी है और b बिलोंग्स टू r ट्रीट करना है। तो जिस भी जैसे दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक के लिए लिखा कि वो वेरिएबल बिलोंग्स टू r है, तो आपको क्वाड्रेटिक जो इनइक्वालिटी बनी है वो उसी वेरिएबल में ट्रीट करनी है। जैसे यहां b बिलोंग्स टू r लिखा है ना, तो आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी b में बनानी है। जब आप b में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनाओगे तो क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इनटू b, b में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बना दें और बाकी जो बच गया वो c का काम करेगा। तो प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब ये b में एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जब होती है तो उसका d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा लेस देन 0 होता है, तो इसका d जो है वो लेस देन 0 रख दो। जब आप d लेस देन 0 रखोगे तो इसका स्क्वायर यानी कि 2a प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, c का काम यहां पर a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 कर रहा है और वो लेस देन 0 रख दिया। 4a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 16 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 16 इज लेस देन 0। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखो इसमें एक मिस्टेक हो गई थी यहां पर कि माइनस 4 की मल्टीप्लाई हमने अंदर किया था, माइनस 4 भी लिख दिया था जबकि प्लस का 4 भी आएगा, तो प्लस 4 भी लेने के बाद क्वाड्रेटिक ये बनेगी। अब इसका हमने d लेस देन 0 रखा, जब d लेस देन 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 16a और ये माइनस का 16a, तो टोटल हो गया माइनस का 32a और प्लस का भी 32 इज लेस देन 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 32 कैंसिल हो गया, माइनस a प्लस 1 लेस देन 0, इट मींस a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसी तरीके से जब आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करोगे, सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे आप,
डी लेस देन जीरो लेके चलोगे, फिर से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनेगी ऐसे, जो हम यहाँ डी ग्रेटर देन जीरो लेके चले हैं, अब डी लेस देन जीरो लेके चलोगे तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो ऐसी ही बनने वाली है। तो यहाँ लेस देन जीरो आएगा, लेस देन जीरो आने के बाद भी आपको डी लेस देन जीरो ही लेना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं जस्ट इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में बोला है कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, तो मतलब डी को लेस देन जीरो लेके चलेंगे, डी लेस देन जीरो तो यहां लेस देन हो जाएगा, यहां लेस देन हो जाएगा और यहां पर भी लेस देन हो जाएगा, ये आ गया। अब ये जो है, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन बना हुआ है, इसमें बी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है और वैसे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन जीरो है, तो ये तो संभव ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो होता है तो ए भी निगेटिव होता है, डी भी निगेटिव होता है, लेकिन यहां तो जो लीडिंग टर्म है बी स्क्वायर उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका डी निगेटिव नहीं रखा जा सकता, जबकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ये, तो डी तो निगेटिव ही होना चाहिए था, इसलिए यहां पर क्या आएगा, ए बिलोंग्स टू फाइव, ए की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो, ठीक है, क्लियर।